और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बताएं, महाराष्ट्र पर बीजेपी सूत्रों से ये बड़ी खबर है। सुप्रिया सुले को आगे बढ़ाने पर यह विवाद शुरू हुआ। अजीत पवार को अपने भविष्य की चिंता थी, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी। सुप्रिया के नेतृत्व पर भरोसा नहीं था, तो बीजेपी सूत्रों से इस पूरे घटनाक्रम को लेकर ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। सुप्रिया सुले को आगे बढ़ाने के बाद ही ये विवाद शुरू हुआ। अजीत पवार को अपने भविष्य की चिंता थी, क्योंकि जिस तरह की उम्मीद उन्हें की जा रही थी, पार्टी में जो कद, जो भागीदारी उनकी थी, उसके हिसाब से उन्हें जिम्मेदारी नहीं मिली, इस बात का मलाल उन्हें था, अपने भविष्य को लेकर उन्हें चिंता थी, और सुप्रिया सुले के नेतृत्व पर इन तमाम वरिष्ठ नेताओं को भरोसा नहीं था। बीजेपी अपने कोटे से मंत्री पद देगी, सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी है। अजीत गुट को मंत्री पद दिए जाएंगे। और अश्विन पांडे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और सियासी घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। अजीत, आज जो बैठक हुई देवेंद्र फडणवीस के निवास पर, उस बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आया और इस बड़ी खबर पर क्या अपडेट? जी देखिए, जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि जिस तरह से कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले को चुना गया, उसके बाद से ही जो नाराजगी थी वो चरम पर गई और उसके बाद से आखिरी जो दौर था बैठकों का वो शुरू हो चुका था और इसको अमली जामा जो है 2 तारीख को पहना दिया गया। इसके अलावा ये सरकार की रूपरेखा कैसी होगी, इसको लेकर भी बीजेपी की जो हायर सोर्सेस हैं वो बताते हैं कि तमाम विधायकों को, जो बीजेपी खाते में जो मंत्री पद आना था, ऐसे में तमाम विधायकों को मना लिया गया है, जिन इस तरह से पार्टी को आशंका थी कि नाराज हो सकते हैं, उनसे बातचीत कर ली गई है ताकि जो मंत्री पद है वो एनसीपी के खाते में दिया जा सके, क्योंकि अभी जो मंत्रिमंडल विस्तार होना है आने वाले कुछ दिनों में, उसमें भी एनसीपी के कुछ लोगों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी, एकनाथ शिंदे गुट के लोगों को भी शपथ दिलाई जाएगी। बीजेपी इसमें एक तरह से सेक्रीफाइस करने की पूरी तैयारी में है और ये पूरी तरह से जो खास तौर पे जो बड़े नेता हैं, चाहे उसमें दिलीप वलसे पाटिल हों या फिर छगन भुजबल जैसे नेता हों, सुनील तटकरे की बेटी अदिति तटकरे जो है वो इस मंत्रिमंडल में शामिल हुई हैं, तो सभी का इस तरह से उठकर आना, सभी को इस बात की चिंता थी कि आगे का भविष्य उनका क्या होगा, कैसे पार्टी आगे बढ़ेगी। एक बात तो जाहिर है कि जिस तरह से अजीत पवार का दबदबा शरद पवार के बाद अगर सबसे ज्यादा पार्टी पे रहा है तो वो है अजीत पवार, और अजीत पवार को लगातार एक तरह से साइडलाइन किए जाने की जो है कदम उठाए गए, उसी से नाराजगी थी और उसका नाराजगी का रिजल्ट 2 तारीख को दिखाई दिया। जी, बृजमोहन पांडे भी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपसे हम समझना चाहेंगे, आपके अनुभव से, आप जो इस वक्त सियासी घटनाक्रम महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है, जो उठापटक है, उसे आप कैसे देखते हैं? और खास तौर पर प्रफुल्ल पटेल ने जो ये बात कही कि शरद पवार हमारे गुरु हैं, हमें उनका साथ चाहिए, हमें उनका आशीर्वाद चाहिए, जिनसे बगावत उन्हीं से ही आप आशीर्वाद की गुहार लगा रहे हैं, इसका क्या मतलब? नहीं, ये बात सही है कि ये पूरी पार्टी शरद पवार के नाम से बनी है। जब 99 में प्रसाद पार्टी बनी थी तो शरद पवार ने इस पार्टी को आगे बढ़ाया, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है और महाराष्ट्र में जो भी उसके जनाधार है वो शरद पवार के नाम से। तो निश्चित है पार्टी के अंदर कामकाज को लेकर, नेतृत्व को लेकर नाराजगी थी, जिसे आपने पहले बताया कि सुप्रिया सुले के कार्याध्यक्ष बनाने के बाद ऐसे अजीत पवार को लगने लगा था कि मेरा राजनीतिक भविष्य नहीं है या एनसीपी में मेरा पद घटाया जा रहा है, उन्होंने विकल्प की तलाश शुरू कर दी। अब सवाल रहा कि पार्टी को आगे कैसे बढ़ाना है, तो निश्चित तौर पर शरद पवार के नाम पर ही वोट मांगा जाएगा। अभी पिछली खबर आई कि महाराष्ट्र भर में नई सरकार में शामिल होने के बाद समर्थकों की जो होर्डिंग बैनर लग रहे हैं, अजीत पवार ने खुद सबको कहा है कि उस पर शरद पवार का फोटो रहना चाहिए। इससे साफ है भले ही बगावत हुई है, लेकिन हर आदमी के मन में शरद पवार को लेकर सम्मान है, क्योंकि सीधे तौर पर शरद पवार को चुनौती देना कठिन है। बगावत के बावजूद शरद पवार के प्रति सबके मन में सम्मान है। आपसे हम वापस जुड़ेंगे सर, आपसे और जानकारी लेंगे, लेकिन इस बीच कुछ और अहम जानकारी दर्शकों को बता दें। महाराष्ट्र में जो सियासी रण चल रहा है वो कोई संयोग है या राजनीतिक प्रयोग? ऐसे दावे इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि 2024 से पहले कई उलटफेर हो रहे हैं और राजनीति को करीब से समझने वालों का कहना है
कि एक वजह ये बताई जा रही है कि महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार अल्पमत ना हो, क्योंकि शिंदे गुट के 16 विधायकों पर अयोग्यता का खतरा मंडरा रहा है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे समझना होगा। शरद पवार ताकतवर नेता हैं और उनको टारगेट करके 2024 से पहले विपक्षी एकता में सेंध लगाई गई है, क्योंकि एकजुट विपक्ष से बीजेपी के मिशन 2024 को खतरा हो सकता है। महाराष्ट्र में जल्द होने वाले बीएमसी चुनावों पर भी एनडीए की नजर है और एकजुट महाविकास अघाड़ी गठबंधन से नुकसान होने की भी पूरी आशंका थी। और 2024 को ध्यान में रखते हुए एनडीए ने महाराष्ट्र में अपना कुनबा बढ़ाने की कोशिश की है, क्योंकि एकनाथ शिंदे के खिलाफ उद्धव ठाकरे के लिए सहानुभूति बढ़ने की बातें भी चल रही थी। Zee News.